विद्यार्थी मित्रांनो, आपले अनाथाची आई सिंधुताई सपकाळ या पाठात पुन्हा स्वागत आहे. शाळेची घंटा झाली की सर्व मुले मुली जेवायला बसत. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये जिथे थांबलो होतो तिथून आता पुन्हा सुरुवात करणार आहोत. दहावीची मराठी या विषयाची ही अनाथाची आई या पाठाचे आम्ही वाचन व त्याला समजून घेणार आहोत. शाळेची घंटा झाली की सर्व मुले मुली जेवायला बसत, यानि मदरसे का जैसे ही घंटा बज जाता सब लड़के और लड़कियां खाना खाने के लिए जेवन करने के लिए बैठ जाते. मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत असे बसे. मैं उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बैठा करती. पोटात भूक लागलेली असे. पेट में बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई होती. यानी सिंधुताई सपकाळ उस वक्त बहुत ही ज़्यादा भूखी होती. मुले मुली जेवन करून खेळायला गेल्या. यानी बच्चे और बच्चियां, लड़के लड़कियां जब जेवन यानी खाना खाने के बाद खेलने के लिए चले जाते कि मैं लाड़ूचा तुकड़ा, भुरका, गुड़ाचा खड़ा, जिलेबीचा तुकड़ा मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे. जब बच्चों का खाना हो जाता तो यहाँ पर सिंधुताई सपकाळ कहती है कि वो कुछ लड्डू का टुकड़ा, भुरका, उसका बारीक भुरका, गुड़ गुड़ाचा खड़ा यानी गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, जिलेबीचा टुकड़ा मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे. मिट्टी से उठाकर वो अपने पास रख लेती. अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं. लाड़ूचा टुकड़ा, भुरका, गुड़ाचा खड़ा, जिलेबीचा टुकड़ा. सर्वांना वाटायची मी चाफ्याचे फुलेच गोड़ा करते. सबको ऐसा लगता कि मैं चाफिया के फूल ही जमा करती हूँ, जो फूलों के साथ दूसरी चीज़ें भी मैं उठा लिया करती. पण त्या फुलातला माती लागलेला तो अन्नाचा कण चाफ्याच्या सुगंधाने चवदार वो गोड लागायचा. लेकिन मिट्टी में से उठाया हुआ वो खाने का जो टुकड़े थे, बारीक जर्रे थे, उसमें चाफिया के फूल की जो खुशबू थी, सुगंध थी, उससे वो ग़िज़ा, वो खाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा लजीज, चावदार यानी लजीज, और वो गोड़ और मीठा लागा ऐसा यानी मीठा लगने लगा. त्यावर घोट भर पानी पीन में वर्गात बसाएचे. उसके बाद एक घूंट पानी पीकर मैं जमात में वर्ग में जाकर बैठ जाती. कधी कधी म्हशी मुड़े दिवस दिवस शाळेत जाता येत नसे. कई मर्तबा भैंस की वजह से मुझे कई दिनों तक स्कूल जाना ना होता, मदरसे तक नहीं जा पाती. आमच्या चिखलदऱ्यात भराड़ी नावाची एक वनस्पति येते. चिखलदरा में हमारे पास भराड़ी नाम का एक दरख्त हुआ करता. चांगले तड़ा हाता एवडे मोठे पान असते और उसका जो पत्ता होता, वो पान होता, वो बहुत ही बड़ा होता, जैसे कि किसी थाली के उतना या फिर आपकी हथेली से भी बड़ा. त्याला खाली एक काटा असतो और उसके नीचे की तरफ एक बहुत ही नोकदार काटा हुआ करता. त्या भराड़ीचा काटा है माझे पेन, वो भराड़ीचे पान हा माझा कागद असे. वो भराड़ी का जो काटा था वो मेरे लिए कलम यानी पेन का काम करता और भराड़ी का जो पत्ता था वो मेरे लिए कागज़ का काम किया करता. यानी लिखने के लिए भराड़ी का पत्ता और भराड़ी का काटा इसका इस्तेमाल किया करती. मशी मागे जात जात अ आ ई ई ऊ ऊ अशी अक्षरे लिहिने मी शिकू लागले. भैंस के पीछे जाते जाते अ आ ई ई ऊ ऊ ऐसे अल्फाज मैंने लिखना सीखे. असे निसर्गाच्या सोबतीने लिहिले और ये सब फितरत के साथ साथ चलते ही चलते मैंने लिखना सीखा. म्हणून शिकलेले कधीच विसरता नाही आले. इसीलिए फितरत के साथ जो चीज़ें सीखी वो मैं कभी भी भूल नहीं पाई. अशी हाफ टाइम शाळा करीत करीत मी चौथी पर्यंत आले. इस तरीके की आधा वक्त की
तालीम हासिल करते करते मैं चौथी जमात तक आ गई। गोपुरीला केंद्र शाड़ा का काय होती। गोपुरी एक गांव है जहां पर एक मरकजी स्कूल था। तिथे चौथी ची परीक्षा होती। वहां पर चौथी जमात का इम्तिहान था। मी पास झाले, मैं कामयाब हो गई। शाळेत रिझल्ट आणायला गेले तर वंदिले गुरुजी म्हणाले, जब स्कूल में मैं हमारा नतीजा लाने गई, रिजल्ट लाने गई, तो वंदिले गुरुजी ने कहा, चिंदे तू पास झालीस। यानी उस वक्त मेरा नाम चिंदी ही था, तो उन्होंने कहा, चिंदे तू कामयाब हो गई, पास हो गई। आता चिंदी नावाची चिमनी उड़ून जानार। अब चिमनी चिंदी नाम की जो चिड़िया है वो उड़कर जाने वाली है। मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले। वो कागज़ लेकर मैं बाहर निकली, पण पुन्हा वडून वडून शाळेकडे पाहत होते। लेकिन बार बार पलट कर मैं स्कूल की तरफ देखा करती। त्या भिंतीवर चुनियाने लिहिलेली बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी मेघे ही अक्षरे पुसट पुसट होत होती। और पीछे की तरफ भिंतीवर यानी दीवार पर चुनियाने चूने से लिही लेली जो लिखी गई थी, बुनियादी ग्राम शाड़ा पिंपरी में घे। यानी उस मदरसे का स्कूल का नाम था बुनियादी ग्राम शाड़ा पिंपरी में घे। ही अक्षरे पुसट पुसट होत होती वो फीकी फीकी होने लगी। उसके अल्फाज फीके फीके होने लगे। त्यावरची शाई आसवांच्या त्या पाण्यात कागदभर पसरत होती, अशी माझी शाळा। उसके ऊपर की जो स्याही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कागज़ पानी में जाकर फैल जाता है, ऐसे ही वो मेरे जहन से ओझल हो रही है। अशी माझी शाळा, ऐसी ही मेरी शाळा थी, मेरा स्कूल था, मेरा मदरसा था। माझे लग्न झाल्यावर सासरी माझा छळ होण्याची जी कारणे आहेत, त्यापैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा। माझे लग्न यानी शादी। मेरी शादी होने के बाद सासरी यानी ससुराल में माझा छळ यानी मुझ पर जुल्म होने लगा। छळ यानी जुल्म होण्याची जी कारणे आहेत, कारणे यानी नदे वजूहात, त्यापैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा। उसमें से एक वजह मेरी साफ जबान थी। दूसरे कारण माझे वाचन, और दूसरी वजह थी कि मुझे पढ़ना आता था। माझ्या सासरी शिक्षणाची गंध ही नव्हता। मेरे ससुराल में तालीम की खुशबू तक नहीं पहुँची थी। सासरचे लोग अशिक्षित अक्षर शत्रुच, और ससुराल के लोग सब अनपढ़ थे और वो अल्फाज के दुश्मन ही हुआ करते। त्यांना काही ही वास्ता येत नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर मी वाचायला कागद हातात घेतला की त्यांच्या कपाळाला आठ्या पडायच्या। जैसे ही कोई कागज में उठाती पढ़ने के लिए, तो उनकी कपाड़ यानी पेशानी आठ्या पड़ायचा यानी सिलवटें बदल जाती। आठ्या यानी सिलवट पढ़ना। पुढे पुढे मी चोरून वाचायला लागले, और आगे चलकर मैं चोरी चोरी पढ़ने लगी। वन सामानाचे कागद चोड़ा मोड़ा करून उंदीर घुशीच्या बिड़ा ठेवायला लागले। और जो सामान के कागजात थे वो मैं किसी चूहे के बिल में, घुस के बिल में जमा करके छुपा कर रख दिया करती। एकदा गदिमांची एक कविता छापलेला एक कागद सापडला। एक मर्तबा मुझे एक नज्म छपा हुआ कागज मिला। माऊलीच्या दुधापरी आले मृगाचे तुषार, भुकेजल्या तान्ह्या समतुंड तोंड पसरी शिवार। माऊली ये आमतौर पर पालकी को कहते हैं। ये जो पंडरपुर की जत्रा निकलती है, वहाँ से निकलने वाली, उसी को माऊली की पालकी कहते हैं। दुधापरी आले मृगाचे तुषार, मृग आमतौर पर ये बादल होते हैं जो बारिश लेकर आते हैं। भुकेज लिया तान्हा सम तोंड पसरी शिवार।
और भूखेज लिया, भूखेज यानी जो भूखे होते हैं, भूखे पेट होते हैं, तान्यासम, तान्यासम छोटे छोटे तोंड यानी मुंह पसरी शिवार हम फैला कर बैठते हैं भूखे भूखे रहने वाले लोग। मी वाचनाची भूखेली होती, मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा भूख थी। गदिमांचा या ओढ़ी मला भुरण घालत होत्या, गदिमा जिन्होंने ये नज़्म लिखी थी उनकी ये सतरें मुझे याद दिला रही थी। त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती, उस दिन घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन एक मोठ्या दरात बिड़ात तो कागद ठेवला, तो उस वक्त मैं घर से दूर जाकर एक बिल में मैंने वो कागज़ छुपा दिया, मात्र हाथाला मुंगूस चावला। लेकिन जैसे ही मैंने उसे लगाया मेरे हाथ को मुंगूस ने काट लिया, चावला काट लिया। कवितेतील मुर्गाच्या तुषारावर माझ्या रक्ताची धार सुरू झाली, जैसे ही इस नज़्म की जो मेरी पढ़ने की लालसा थी, लालच थी, उसे मैंने करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं उस नज़्म को छुपा रही थी तो मेरे उंगली से खून की धार बहने लगी, रक्त यानी खून। जनु माझ्या अड़चनी वर माझ्या ज्ञान तृषेचा अभिषेक झाला, ऐसा लग रहा था कि मेरी मुश्किलात पर जो इल्म का इल्म की प्यास है उसका अभिषेक हुआ, उससे मेरा पूरा जिस्म नहा गया। मला वाचनाची इतकी आतून ओढ़ का असावी, मुझे पढ़ने की इतनी अंदर से ज़िद क्यों थी, इतने शौक क्यों था। ओढ़ असने यानी शौक होना, मी प्रवाहाच्या उलट वाहत असल्यामुळे मला हा त्रास होत होता। मैं बहाव की दूसरी सिमत में चल रही थी, इसीलिए मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। मी प्रवाह झोकून दिले नाही, स्वतःला मला सापडलेले शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठेच काढत रक्तबंबाळ होत मी चालत राहिले। तालीम हासिल करने के लिए मैंने अपने प्रवाह में यानी अपने उसी लय में बहते हुए ना जाते हुए, बल्कि तालीम हासिल करने के लिए मैंने सख्त तकलीफ़ें उठाई, अपने खून को भी अपने बहने दिया, लेकिन मैं चलती रही। एका रात्रि घरच्यांनी घरा बाहर काढले, एक रात मुझे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, यानी शौहर ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, गावा बाहर पाठून दिले, गांव के बाहर भेज दिया। मैं एकटी बाई जवड़ एक लहान तान्हे बाढ़, मैं अकेली खातून, अकेली औरत और एक छोटे बच्ची मी खरे अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले होते। मैं सही तौर पर उस वक्त यतीम हो गई थी, अनाथ यतीम, पन माझ्यातली स्त्री शक्ति जागृत झाली, लेकिन मेरे में की जो एक औरत की ताकत होती है तो वो जागृत हो गई थी यानी जिंदा हो गई थी। मी अनाथ झाले तरी रडून चालणार नव्हते, मैं अगर यतीम भी हो गई तो रोकर नहीं चलेगा, काय करावे ते मला कळत नव्हते, क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर निश्चयाने ठरवले, लेकिन मैंने तय कर लिया, निर्धार केला और मैंने पक्का इरादा कर लिया, आपन अनाथ रहायचे नाही, मुझे अनाथ नहीं रहना है, स्वनाथ व्हायचे यानी दूसरों को का भी ख्याल रखना है, यतीमों का ख्याल रखना है और आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैर पर खड़ा होना है। जनु पुढ़े मला अनेक अनाथांची आई व्हायचे होते, ऐसा लगता है कि मुझे आगे जाकर बहुत सारे यतीमों की माँ बनना है। ये हमारा सबक यहाँ ख़त्म होता है। हमारा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में है हम इसकी
दूसरी एक्टिविटी सरगर्मियाँ कृति के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।